कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखने का कल तय किया था, रिजर्वेशन किया, टिकट बुक कर दिए, वहाँ चले गए। पिक्चर बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना बड़ा इतिहास, इतना सारा इतिहास जो कश्मीर पंडितों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, इतना हो सकता है इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता, और हमसे छुपाया गया है। विवेक अग्निहोत्री जी ने इसका डायरेक्शन किया हुआ है, आज उनको वाय सुरक्षा दी गई है, क्योंकि लोग उनके ऊपर अभी अटैक करेंगे ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, क्योंकि इसमें कितना अत्याचार हो सकता है और कितने लेवल का हो सकता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, वो देखने मिला। और सेंटर कैसी मदद करता रहा हरदम कश्मीर को, और सेंटर से कश्मीर को किस तरह की हेल्प होती गई, कैसा सेंटर के मिनिस्टर वहाँ जाके, गृहमंत्री वहाँ जा रहे हैं और ड्रामा पार्टी कर रहे हैं, वो भी पता चला। ऑफिसर्स के हाथ कैसे बांध दिए गए, उनको काम नहीं करने दिया, जो प्रामाणिक ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, उनको काम नहीं करने दिया, मतलब सब तो जो मतलब छुपाया गया, और किस तरह ये काम चलते रहता है और किस तरह का काम पर्दे के पीछे होते रहता है हमको मालूम ही नहीं था। बहुत ही क्रूर घटना बताई गई है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वहाँ से निकल जाना, इतने कभी कभी मतलब जो आखिरी का जो है सीन कि एक साथ 24 लोगों को खड़े रह के मार दिया, वो तो बहुत ही भयावह है, मगर वो घटना हुई है, ऐसा मानते हैं तो खतरनाक है। 370 कलम, वो जो नारे बार बार पिक्चर में आते रहे कि कश्मीर होगा आज़ाद हिंदू पुरुषों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ, ये तो आंख के ऊपर रोंगटे खड़े कर देते हैं, मतलब ऐसा इतना खतरनाक ऐसे ऐसे नारेबाजी सुनी हमने, एक बार जरूर पिक्चर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।